नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी में, जहां लगातार चुनावी मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। तो चुनावी मुद्दों में से सबसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है महंगाई का, और महंगाई की मार किस तरीके से हर घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ रही है उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन महिलाएं लगा सकती हैं, क्योंकि महिलाएं घर चलाती हैं, उन्हें पता है कि क्या चीजें महंगी हो रही हैं और क्या चीजें नहीं। तो इसी बीच हम महिलाओं के बीच आए हैं और महिलाओं से उनकी राय जानेंगे कि क्या महंगाई चुनावी मुद्दा हो सकता है, तेलों के बढ़ते दाम मुद्दा हो सकता है, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम एक मुद्दा बन सकते हैं। तो इसी चर्चा को लेकर आज हम महिलाओं के बीच आए हैं और जानेंगे कि क्या लगता है उन्हें कि कौन सी सरकार ऐसी है जो उनके इस मुद्दे को कम करेगी, और क्या लगता है कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, ये महंगाई एक चुनावी मुद्दा हो सकता है? हो भी हाँ हो सकता है, क्योंकि देखो कांग्रेस सरकार थी तो चीनी कंट्रोल से भी मिला करती थी जी। चीनी तेल और सब सब मिला करता था, और बच्चों को तुम ही बोलो तो वजीफा मिलता था बच्चों को, वो बंद हो चुका। बच्चों को स्कूल में कुछ ऐसी वो नहीं मिल पाई है, और फिर सिलेंडर हमारा 1000 से ऊपर जा रहा है। तो अब रसोई में क्या करना है क्या नहीं, जो बंदा कमा ले या खा ले या बच्चों के लिए जोड़ ले अपने, बच्चों को कैसे पढ़ाई कराएंगे? फीस इतनी हो रही है, स्कूल बंद होने के बाद भी हमें फीस देनी पड़ रही है, तो अब ये कैसे होगा बताओ। तो आपको क्या लगता है कि घर में क्या क्या चीजें हैं जो बहुत ज्यादा दाम से ऊपर चली गई हैं? तेल हो गया, सरसों का 200 रुपए किलो हो गया। वो इंसान तेल में सब्जी बनाएगा या पानी बनाएगा, किस चीजें बनाएगा बताओ? जब 200 रुपए तेल हो गया तो आगे हम सामान क्या, सब्जी कहाँ से खरीदेंगे? तेल है, मसाला है, सब कुछ है, सब में महंगाई। फिर DST लगाती है, सबसे बड़ी तो वो बात हो गई कि DST लगाने से इंसान DST सामान और महंगा हो रहा है। तो इस चीज से मुद्दा है हमारा कि चुनाव मुद्दा है कि जो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार ऐसी आएगी जो आपके इन जो मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे और आपके इन महंगाई पर ध्यान दे? मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस सरकार की आवाज में हमें थोड़ा कुछ मिल रहा था, वो अब बिल्कुल नहीं मिला। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ जी, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। तो इसके अलावा महंगाई आपको लगता है मुद्दा बन सकता है? हाँ जी, क्यों नहीं है। महंगाई सस्ता, कांग्रेस सरकार आएगी सस्ता होगा, जैसे पहले होया करता था। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करा करते थे, कांग्रेस को चुना करते थे ना, और आज नई पीढ़ी आई, उन्होंने किसे चुना? BJP को महंगाई करा दी। बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, कांग्रेस को चुनते थे या नहीं? तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि महंगाई की मार कहाँ पर आपकी किचन पर पड़ रही है, या फिर किस चीज पर आपको लगता है सबसे ज्यादा पड़ रही है? हर चीज पे पड़ी है। स्मार्ट सिटी बना दी है, कहाँ लोगों का पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं आप ये बताइए ना, कि क्या नाम से तेल इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी है, गैस इतना महंगा है, क्या करेगी लेडीज ये बताओ? कांग्रेस को नहीं चुनेगी क्या, BJP को चुनेगी? आप ये बताइए ना कि किसे चुनना चाहिए, आप ही बताइए कि क्या। ये जो तेलों के बढ़ते दाम है, सिलेंडर के बढ़ते दाम है, इसका समाधान क्या लगता है आपको, कौन सी सरकार करेगी और क्या लगता है? कांग्रेस सरकार करेगी। अच्छा, तो कांग्रेस सरकार पर आपको भरोसा है? पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों को भरोसा था तो हमें भी भरोसा है। अच्छा, हाँ। तो आपका क्या मानना है? कांग्रेस। अच्छा, तो क्या क्या लगता है आपको, क्या क्या सुविधाएं कांग्रेस देगी आपको? अभी तक तो जो वादा करा है उसी को देख के आजमा कर देख लेंगे, उसी को आजमा कर देख लेंगे, क्योंकि अभी तक भाजपा की सरकार में ऐसा कोई निमंत्रण नहीं निकला, आज तक कुछ भी नहीं मिल पाया, और महंगाई की महंगाई होगी हर चीज में, GST, दवाई तक, एक दवाई लेने जाओ उसमें भी इतनी महंगाई है। बंदा रोटी खाएगा या दवाई खाएगा, मुझे ये कोई बता? नमक की थैली है, मिट्टी है, हर चीज है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, आम ये छोटी छोटी चीज है, बड़ी चीजें क्या गिनवाए? ये एक ये सड़े से कपड़े खरीदो तो उसपे देख लो, एक हल्का हल्का महंगाई एक चुनावी मुद्दा बनेगा आपके लिए? मेरे लिए महंगाई अब कांग्रेस की जो सरकार आ गई तो मैं उसे ये समझूंगी कि हाथ चमककार हो जाएगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपके जो बढ़ते दाम है उसको कंट्रोल कांग्रेस करेगी? कंट्रोल कांग्रेस करेगी। अच्छा, हाँ तो ठीक है, अब तक नहीं हुआ वो अब होगा, और मैं तो BJP के साथ खिलाफ बाहर हूँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या महंगाई एक मुद्दा हो सकता है चुनाव? हाँ जी, गौरा देवी का फॉर्म है, उसके लिए सब कुछ कागज मांगे, पूरी फाइल बना के दे दी है हमने, पर वो बोल रहे हैं कि और फाइल बनाओ, पैन कार्ड मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, मम्मी का पैन कार्ड मांग रहे हैं। गौरा देवी योजना? हाँ जी। अच्छा, तो इसको लेकर क्या कह रही है आपके
यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, वो जो 50,000 का फॉर्म आता है गौरा देवी का, वो अभी तक आया नहीं है। अच्छा। एक साल हो गया है, कभी पैन कार्ड मांग रहे हैं, कभी आधार कार्ड मांग रहे हैं, कभी मम्मी का पैन कार्ड मांग रहे हैं, इन्होंने यही इशू लगा के रखा है। अच्छा, तो आपको शिक्षा में दिक्कत आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हम कॉलेज में हमारी स्कॉलरशिप नहीं आ पा रही है। अच्छा, तो इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि आपकी क्या क्या जो समस्याएं हैं वो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई है? वो तो बहुत चीज़ें ऐसी जो ऐसे गौरा देवी का एक साल से नहीं आया है और अब शायद आ सकता है। अच्छा ठीक है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आए तो? हाँ जी। आंटी, आप बढ़ती महंगाई पर क्या कहेंगी? बढ़ती महंगाई पर, बढ़ती महंगाई को वो अमीरों गरीबों के लिए परेशानी है। तो तेल के बढ़ते दाम, सिलेंडर गैस के बढ़ते दाम, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या लगता है आपको, महंगाई बढ़ी है? महंगाई बहुत हो रही है, गरीब आदमी कहाँ से करेगा। हाँ। गरीब आदमी के लिए दिक्कत है, जो पैसे वाला वो तो खरीद लेगा, गरीब आदमी के लिए कमाई नहीं है, कहाँ से करेगा वो। हाँ, तो ये इसको देख कर आप इस बार वोट देंगी? वोट तो देंगे, पर करते तो नहीं ना, वोट लेके फिर फिसल जाते हैं। अच्छा, जाते हैं फिर? फिसल जाते हैं फिर। हाँ, तो आप क्या चाहती हैं कि महंगाई कम हो या नहीं? नहीं, महंगाई कम हो। महंगाई कम कोई नहीं करेगा, अब यह है कि खैर कोई भी हो, जो खर्चे बढ़ रहे हैं वो तो हिसाब से खर्च काम तो होगा ही। तो आपको लगता है कि तेल के बढ़ते दाम, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम और तमाम चीज़ों के जो दाम बढ़ रहे हैं वो एक चुनावी मुद्दा बन सकता है, उसके बेसिस पर अब वोट दिए जाएंगे? नहीं, बात सुनो, हम तो बीजेपी के आदमी, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ, तो आप बीजेपी को वोट देंगे? हाँ जी, चाहे जितनी भी महंगाई हो। महंगाई कुछ भी हो, काम भी तो वैसे कर रहे हैं, फिर कमाई होती है हमारी। अच्छा, कमाई होती है आपकी? हाँ जी। महंगाई पर क्या कहेंगे आप? महंगाई बहुत है, और क्या इसको कुछ सस्ता होने का होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए? हाँ जी। क्या लगता है कौन से, किस चीज के दाम सबसे ज्यादा है? हर कुछ का दाम ज्यादा है, सब्जी का, आलू का, ये सब का दाम बहुत ज्यादा है। गैस सिलेंडर का? गैस का भी बहुत ज्यादा है। फिर कैसे करते हैं आप लोग? अब किसी तरह गुजारा चलाते हैं, अब आगे देखा जाएगा अब क्या। तो आप वोट किसको देंगे? अब देखो तो अच्छा देखा जाएगा कोई आगे। हाँ, तो आप किसको देंगे वोट? हाँ जी, किसको वोट दोगे? जो खड़ा है उसको देंगे जी। अच्छा, तो महंगाई लगती है आपको कि महंगाई है या नहीं? महंगाई तो ही है, सारा चीज है, महंगाई तो ही है। महंगाई कौन सस्ता है, सारा सामान सस्ता महंगा। किसमें सबसे ज्यादा महंगाई लगती है आपको? सारा सामान महंगाई है, कौन में सस्ता है? कुछ सस्ता नहीं है, सारा सामान तो महंगाई है, आटा चावल सब तो महंगाई है, राशन पानी। अच्छा, सब्जी साग सब तो महंगाई है जी। अच्छा, सबकी महंगाई है, डिपेंड करता हूँ सरकार के ऊपर। तो आपको लगता है चुनावी मुद्दा बन सकता है महंगाई, इशू हो सकता है? क्या क्या लगता है आपको, किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा अब इस वक्त महंगाई है? महंगाई मैम, हर चीज़ में महंगाई है, दाल है, राशन है, पेट्रोल है, तेल हो गया, सब्जी भी महंगी पर छो रही है मैम, सबसे कुछ भी नहीं रहा, हर चीज़ महंगाई बढ़ गई मैम, लोन तक महंगे हो गए, हर चीज़ में महंगाई है, लोन तक महंगे हो गए। अच्छा, सस्ता क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है महंगाई हो गई है? महंगाई महंगाई हो रही है, क्या होगी, बतरी हो रही महंगाई, तो बहुत महंगाई बहुत महंगाई है। किन किन चीज़ों में महंगाई आपको लग रही है? पेट्रोल में देखो, पेट्रोल क्या भाव चल रहा है, दालें क्या भाव चल रही है, सब्जी क्या भाव चल रही है, सब चीज़ें महंगाई है। अच्छा, रिफाइंड हुआ तुम्हारा, दालें हुई है, चीनी हुई है, सब चीज़ महंगाई है। महंगाई की मार आम आदमी पार्टी पे आम आदमी पर पड़ रही है, आम आदमी पड़ रही है। गैस सिलेंडर को कितने बोल रही है, 900 रुपये गैस सिलेंडर है, समझिए चीज़ महंगाई है। अच्छा, तो आपको लगता है महंगाई एक चुनावी मुद्दा बन सकता है? क्या बनेगा, क्या कहते हैं बनेगा, महंगाई तो है, सब चीज़ की महंगाई है, कमाई ज्यादा वही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या महंगी हो रही है चीजें सबसे ज्यादा? हर चीज महंगी हो रही है, क्या सस्ता है इस टाइम, कोई चीज सस्ती नहीं है इस टाइम। तो किसको वोट दे रहे हैं आप इस बार? अभी वोट पता नहीं किसे देंगे, अभी पता नहीं किसे देंगे। आप किसको दोगे? हम तो बीजेपी के देंगे। बीजेपी को क्यों? बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा काम कर रहे हैं। महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई तो हो ही रही है, मगर सरकार तो फिर भी बीजेपी का वोट देंगे। महंगाई कितनी भी होगी लेकिन आप बीजेपी को वोट देंगे? फिर भी बीजेपी के देंगे, महंगाई होगा तब भी। तो इन्होंने कहा है कि जैसे कि महंगाई जितनी भी होगी लेकिन देंगे वोट तो बीजेपी को देंगे। तो और लोगों से जानते हैं, आइए महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। महिलाएं घर की खर्चे ज्यादा चलाती है तो उन्हें ज्यादा अनुभव है इस चीज को लेकर। महंगाई हो रही है मैम? Yes, मैम। तो आपको क्या लगता है किन किन चीजों में महंगाई ज्यादा है? सारे चीजें का तो महंगाई है, सब चीजों में महंगाई है।
सबसे ज्यादा घर की कौन सी चीज में महंगाई लगती है आपको? आलू प्याज तो सबसे ज्यादा लगते हैं। अच्छा, महंगा। और सिलेंडर तेल पर क्या कहेंगी? तेल तो हद से ऊपर है। अच्छा, तेल तो बहुत ही ज्यादा। इस बार इन चीजों को ध्यान में रख के वोट देंगी आप? यस मैम। अच्छा, तो किसको सोचा है? अभी तो फिलहाल कुछ सोचा नहीं। अच्छा ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि तेल और ये तमाम जो चीजें हैं, गैस सिलेंडर से लेकर हर घरेलू चीजें, उनकी महंगाई पर ध्यान देते हुए इस बार वोट देंगी। क्या क्या चीजों के दाम आपको सबसे ज्यादा महंगे लग रहे हैं? रखो मुंह पे पहले। मैं क्या बोलूं? आपको लग रहा है महंगाई बढ़ रही है? नहीं लग रहा, जिस हिसाब से बढ़ रही है तो फिर एडजस्ट तो होता ही है जैसे तैसे। तो घर की किन चीजों में आपको महंगाई सबसे ज्यादा लग रही है? क्या क्या सामान जो है वो सबसे ज्यादा महंगा है? यही राशन है। क्या देखना, अब देख लीजिए 500 रुपए ले जाते थे, पूरा भर जाता था, भरा भी नहीं थैला। अच्छा, तो यही महंगाई। 500 रुपए में आपका थैला नहीं भरा? नहीं भरा। अच्छा, तो फिर किन किन चीजों में दाम आपको लगते हैं कि सबसे ज्यादा हो रहे हैं इस बार? इस बार जैसे सब्जी वगैरह, हरा सब्जी बहुत हाई हो रहा है। आपको क्या लगता है, आप घर चलाती हैं तो आपको क्या लगता है? नहीं, हरे सब्जी, राशन पानी, हर चीज तो महंगाई होती है। अच्छा, तो हरा सब्जी और दाल वगैरह में आपको लगता है? हाँ जी। ठीक है, तो आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किन चीज़ों में दाम इनको सबसे ज़्यादा लगते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों में महंगाई इस वक्त सबसे ज़्यादा है? हाँ, महंगाई तो है, सब चीज़ में महंगाई हो रही है, सब सब्जी वगैरह भी सब। क्या क्या लगता है आपको, क्या क्या चीज़ें महंगी हो रही है, क्योंकि आप घर चलाती हैं तो आपको पता होगा? हाँ, सब्जी वगैरह ज्यादा ही महंगी हो रही है। सब्जी बहुत ज्यादा महंगी है और केमिकल आज के टाइम पे बहुत ज्यादा केमिकल है सब्जियों में, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं बहुत ज्यादा, और अपनी मतलब नॉर्मल हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और क्या लगता है आपको, घर की जितनी भी जरूरतें हैं उनमें सबसे ज्यादा महंगी क्या चीज हो रही है? सब्जियाँ ही बहुत महंगी है, नॉर्मल ग्रोसरी भी आजकल बहुत महंगी है, क्योंकि खाना चेंज हो रहा है, बाहर का खाना लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उस वजह से सब्जियाँ, ग्रोसरीज बहुत महंगी है, नॉर्मल खाना पीना बहुत महंगा हो चुका है। तो क्या ये तमाम मुद्दे जो जिस तरीके से आपने बताया कि ये सब चीजें महंगी हो रही है, तो ये एक बार चुनावी मुद्दा बन सकता है? ये जी बिल्कुल बन सकता है। इसके हिसाब से आप किसको वोट देंगी? ये अभी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। आप किसको वोट देंगे? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है कि अभी देखें, ये डिसाइड नहीं कर रहा अभी। अच्छा, तो आप डिसाइड करेंगे, तो फिर भी आपको क्या लगता है कौन सी सरकार महंगाई पर काबू पा सकती है? केजरीवाल। केजरीवाल, केजरीवाल सरकार, आपको भी लगता है ये? हाँ जी लगता है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने काम किया है, यहाँ पे अवेयरनेस कम है उस चीज की, तो उस हिसाब से लगता है। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने बताया कि केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं अगर सत्ता में आती है तो वो महंगाई पर काबू पाएगी। आपको क्या लगता है, महंगाई बढ़ रही है? हाँ, काफी महंगाई बढ़ रखी है। हाँ। गरीबों आदमी का तो भूखे मरने का नौबत आ रखी है। तो किन किन चीजों में आपको लगता है कि घर की कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें? रिफाइन और तेल में खूब ज्यादा रेट बढ़ रखी है। जो चावल के कट्टे थे 1600-1500, वो 1800-1900 के हो गए हुए हैं। माखन चोर का दाम काफी बढ़ चुका है। हम लोग तो माखन चोर या सेला ग्रीन खाते हैं, इसे कुछ कम सस्ती करना चाहिए, आप लोगों को रेट रहना चाहिए। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रख के आप इस बार चुनाव में वोट देने वाली? जी हाँ। तो कौन सी सरकार आपने सोचा है जो ये सब काम कर सकती है, महंगाई पर काबू पाएगी? ये हाथ छाप पर देंगे। हाथ छाप मतलब कांग्रेस? जी हाँ, कांग्रेस को वोट देंगी आप? जी हाँ। हरीश रावत जी? जी हाँ। ठीक है, तो आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है उन्हें महंगाई। एक सेकंड मैम, आपको क्या लगता है महंगाई मुद्दा बन सकता है चुनावी? हाँ जी। किन किन चीजों में आपको महंगाई ज्यादा लगती है? हर चीज में महंगाई तो होती जा रही है। अच्छा, हर चीज में महंगाई है। हाँ। तो घर की कौन कौन सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको लगता है कि इस बार रिकॉर्ड टूट चुका है? इसमें ज्यादा तो पेट्रोल वगैरह में और सब्जी दालों में बढ़ी चुका है। तो सब्जी दालों की आप बात कर रही हैं? सब्जी दालों में बड़ी सब्जियों में बढ़ा है। हाँ। तो कौन सी ऐसी ये तमाम मुद्दों को ध्यान में रख के आप इस बार किसी पार्टी को वोट देंगे? देखा जाए तो हम तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को दोगे? बीजेपी के कार्यकाल में महंगाई हो रही है तो बीजेपी को? हाँ जी, मतलब आंख बंद करके विश्वास है बीजेपी? हाँ जी। महंगाई लग रही है? हमें किसी चीजों में महंगाई नहीं लग रही, हमारे लिए सब सही है। हाँ, तो आपके लिए सब सही है क्योंकि आप बेच रहे हैं? हाँ। और फिर महंगाई तो आम जनता को कोई चिक चिक करता है आपके साथ? नहीं, हमारे साथ कोई चिक चिक नहीं करता है। हाँ। हम जो रेट सौदा बेच रहे हैं सब सही बेच रहे हैं। अच्छा, तो आपका हमारे लिए सब सही है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि महंगाई है? महंगाई तो है मैडम।
देखो जो आम आदमी गरीब है उसके लिए परेशानी है ये। बाकी देखो जैसे चल रहा है इसे माल कम आ रहा है इस वजह से महंगाई थोड़ी, बाकी सब ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है बाकी सब ठीक चल रहा है? इसे माल कम आ रहा है इस वजह से महंगाई है, बाकी सब ठीक है। इसके अलावा बाकी सब ठीक है? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे इस पर, महंगाई लग रही है आपको? महंगाई तो है, किन किन चीजों में महंगाई? सबसे पहले आटा बढ़ गया, आटा महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। और घर की क्या क्या चीजें? तेल भी हो गया, खाने का चीज तो सारी महंगी है, गैस भी महंगी, की सब चीजें महंगी है। क्या क्या महंगा है? आटा, तेल, गैस, यही मेन चीज है। तो आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें महंगी हुई है? महंगा कुछ नहीं हुआ, सब लोगों ने महंगाई महंगाई कर रखी है, महंगा क्या हुआ है? इतना कोई महंगा नहीं, सारी सब्जियां मेरे हिसाब से तो सब सही है। 100 रुपए किलो मटर होती थी, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो बिक रही है। क्या चाहिए, 20 रुपए किलो गाजर बिक रही है, 40 रुपए किलो आंवला बिक रहा है, सारी चीजें सस्ती हैं, टमाटर सस्ता है, प्याज सस्ता है, क्या महंगा है? अच्छा, तो कुछ महंगा नहीं है आपके हिसाब से? लोगों ने तो हवा उड़ा रखी है। हवा? अच्छा, तो ऐसा कुछ महंगा नहीं है, हवा बना रखा है। हवा बना रखा है। किसको वोट देंगे आप? हम तो बीजेपी के हैं। बीजेपी? बीजेपी को वोट दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। महंगाई की मार, प्रदेश पर प्रहार। तो जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे को लेकर हमने बाजार की उन तमाम जगहों पर लोगों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की, क्योंकि घर का जो खर्च है वो महिलाएं चलाती है, तो महिलाओं को उन तमाम समस्याओं के बारे में पता है। तो हमने महिलाओं से बातचीत कर ये नतीजा निकाला है कि घर की जो तमाम चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारी महंगी हो चुकी हैं, जिसका समाधान जो है वो कोई भी सरकार करे, तो उसके लिए उन्होंने मन बिठा लिया है और ठान चुकी हैं कि इस बार जो भी सरकार सत्ता में आएगी, जिसको भी सोच समझ के ये वोट देने वाली हैं, उनका इस बार बिल्कुल चांसेस होने वाले हैं और वही जो सरकार है वो इनके लिए महंगाई को कम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ मैं निशी भाटिया।